देखो दोस्तों, गरीब और विकलांग होते हुए भी देखो गायों को गुड़ खिला रहा है भाई। भाई सलूट है यार तेरे को। आज क्या चाचा तेरे है? अच्छा ले नहीं मुझे 1000 में से 100 रुपये गायों के। अच्छा अभी 8000 चल रही है, 11000 100 रुपये के गुड़ गायों को। अरे यार बहुत बढ़िया 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 है। हमारे लिए गायों के ऐसी गौ माता को, गौ तो हमारे माता है पूरे देश की। अरे यार इस दुनिया में ऐसे इंसान है कहाँ मिलते हैं यार आपकी तरह यार। वास्तव चारा तो है नहीं यहाँ पे, अभी पैसे तो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, गुड़ी खिला रहे हो? भगवान तेरा बेड़ा पार करेगा भाई। इसको भी खिलाओ। बिंदास जी आकर जिंदगी है ना, टेंशन मत लिया कर जिंदगी के अंदर। ये भाई बाड़मेर का रहने वाला है। बाड़मेर को होगा आप? नाम बताना आपका। सुदेश। सुरेश। आगे सुथार मतलब? सुदेश सुथार। अच्छा सुरेश सुथार। अच्छा खराब करने के लिए है भाई। दोस्तों भगवान इसकी और साक्ष शरीर में प्रॉब्लम है, जल्दी से ठीक। ये विकलांग बचपन से था क्या? बचपन से था। अब दोस्तों क्या जिंदगी है, खाना बना नहीं सकता। एक बता रहा था कि एक टाइम में भूखा रहता हूँ, एक टाइम खाना खाता है कंपनी के अंदर। और दुकान वालों ने बहुत सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट चाय पानी पिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं। तो गरीब आदमी है और खराब कर दिया। तो आप एक बार इन दर्शकों को बता दो सुरेश भाई कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसा कोई बंदा मेरे जैसा हो तो आज की टीम में हर किसी की मदद करो। इंसानियत तो क्या है, इंसान तो एक 5 मिनट का मिला है कभी भी बिखर जाता है। ऐसे हमारे भाई बंधु को और गौ माता की सेवा करने से आपका भी बेड़ा भगवान पार करेगा। मैं विकलांग होते हुए भी अपने देखो दर्श में थे, हम 100 रुपये कमाते तो उसमें कभी कभी हम बीमार बन जाते, उसका 5000-10000 खर्चा हो जाता है। परंतु किसी भूखे को भोजन कराने से हमारा पेट हमारा बेटा पार हो जाता है। हमारी कोई सैलरी कम नहीं होती है, ऊपर वाला सब देखता है। गरीबों की हेल्प करना है सबके लिए भलाई। आज बिल्कुल चेहरे पे मुस्कान है भाई के, सैलरी आ गई है। तो भाई ने 100 रुपये का गुड़ खिलाया गायों को। बहुत बहुत धन्यवाद।